जरा हमको कोई आदमी इस पर्ची जो ये लगाता है ये खुद ही लिखता है खुद ही पढ़ता है, इसमें पढ़ के कोई हमको दिखा दीजिए कि इस पर्ची में क्या है, ये पर्ची क्या लगाया हुआ इधर इधर देख रहे हैं? ये देखिए, ये खुद ही लिखता है खुद ही पढ़ता है, ये पर्ची क्या है? बाबा का पर्ची है। तब किसका पचरी है? छिछोड़ा का पर्ची, कौन बाबा? अब आप हमको एक बार बताइए, ये बागेश्वर का लिखा हुआ है, लिख लोढ़ा पत्थर 16 × 8, ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री बेहरी के लापता मास्टर को खोज कर निकाले, नहीं तो उस पर मुकदमा हम करें। हाँ डायरेक्ट, वह जब वह पर्चा निकाल कर सबका भविष्य बताता है तो मास्टर कहाँ खो गया, इसका पर्चा निकाल दे, बता कि कहाँ गया। ये तीसरी चीज, अंतिम चीज, लगातार बिहार के जनता पर बोझ बिजली को लेकर के पड़ता जा रहा है। 3 तारीख को पूरे बिहार में बिजली के सवाल को लेकर के और पानी के सवाल को लेकर, खास तौर पर बिजली, और मगध में कहीं पानी नहीं है और जुल्म बढ़ता जा रहा है। वहाँ के नगर आयुक्त, डिप्टी मेयर, मेयर को गाली गलौज करता है, वहाँ पर केस करता है और कुछ भी नहीं करता। इसीलिए पूरे बिहार में ये जो नया ये आया, क्या कहते हैं, मीटर और स्मार्ट मीटर और रीपेड, और लोगों कंपनी को जो दे दिया, ये बिहार की जनता के लिए नासूर है। आर पार के इस कंपनी को भगाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। 3 तारीख को पटना से लेके पूरे बिहार में इसका धरना होगा और उसके बाद आर पार की लड़ाई रीपेड इस मीटर और कंपनी को लेकर के होगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ। धन्यवाद। बिहार सरकार के खिलाफ आप नहीं कह रहे सर, ये बिजली कंपनी के खिलाफ करेंगे, ये भारत सरकार की दी हुई चीजें हैं, बिहार सरकार की दी हुई चीजें नहीं। मीटर वगैरह जो सर, भारत सरकार का ये नियम रूल आया है स्टेट में, तो सरकार को तो सर ये जब कोई निर्णय संघीय व्यवस्था में लिया जाएगा तो उसमें तो बिहार सरकार रहेगी, और निश्चित रूप से जब बिजली का बिल बढ़ा था तो नीतीश कुमार ने तो उसको रोक दिया, लेकिन स्मार्ट मीटर में जो आज डबल बिल जा रहा है, ट्रिपल बिल जा रहा है, इसको तो पप्पू यादव और जन अधिकार पार्टी चुप नहीं बैठेगी ना। सर अपील करेंगे, लेकिन बिल बढ़ रहा है वो मेरी जिम्मेदारी है कि बिहार की जनता पर बोझ जब पड़ेगा तो जन अधिकार पार्टी सड़कों पर होगी। अडानी जैसे काले धन को सफेद करने का एक अभियान इन्होंने फिर से शुरू किया। जनता का धन लेकर धन पशुओं को सौंपने का अभियान फिर से इन्होंने शुरू किया, इसलिए अब नया नारा है, बहुत बार बदल लिया नोट, अब एक बार सरकार बदलो। बहुत बार बदल लिया नोट, एक बार सरकार बदलो। आप 2000 में जितने भी नोट जमा करेंगे, बदला मात्र 10 नोट ही दिया जाएगा, मतलब इस राशि को बैंकों में रोक कर रखा जाएगा, फिर उसे ऋण के रूप में अडानी जैसे को दिया जाएगा। तो ये अडानी के लिए ऋण, 2000 का नोट वापस बैंकों में पुनः मुद्रीकरण करना, फिर वह राशि अडानी जैसे लोगों को लोन देना। 2000 का नोट लगभग 6 लाख करोड़ रुपया मूल्य के छापे थे, और यह नोट बैंक से वापस लेना फिर एक बड़ा घोटाला नहीं है तो क्या है? 6 लाख करोड़ छापे गए और फिर वापस लेना। जब नोट वापस लेने का ऐलान किया गया, सबसे अधिक 2000 के नोट गुजरात में निकला है, सबसे ज्यादा लोग पेट्रोल पंप और टैक्स आदि जमा करने की में उसका उपयोग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा गुजरात में, जिस दिन बंद हुआ। तो आप हमको बताएं कि मोदी जी चाहते क्या है? क्या इस देश को पूरी दुनिया के दूसरे के हाथों में गिरवी रख देना, पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रख देना, मिडिल क्लास, आम किसान, महिलाओं पर, जिस पर सबसे ज्यादा महंगाई की दाम पड़ गई, जिसको मारा गया पेट्रोल डीजल से लेकर के आज तक सब दूसरों के देश में पैसा भेजने की तैयारी कर दिया इन्होंने। दूसरी चीज देखिए, पहले आप इसको समझिए, दैनिक भास्कर ने एक चीज छापा है, यह
बिहार का लड़का जो बागेश्वर धाम से गुम है, इसको ऐसे सर देखिए, ये लड़का मास्टर है मधुबनी का, इसका भाई दर दर की ठोकरे खा रहा है, बंगलोर से ITN है इसका भाई, गायब है 2 महीने से, आज तक इसका पता नहीं चल रहा, वहाँ इन्होंने छापा है, ये देख लीजिए आप लोग सब। अब आप हमको एक बात बताइए, अर्जी लगाने आया बिहार का शिक्षक, 3 माह से लापता, 1 लाख रुपये के पोस्टर छपवा है इसके, इन देख लीजिए, 3 माह से तलाशने की बात हो रही है, 1921 जिसमें 500 के नोट, 16-26 करोड़ नोट गायब है। अब आप हमको बताइए, जब जाली नोट इक्वल हो गई, मनी का इक्वलेशन हो गया और 1,68,000 का प्रचलन गायब है, 16-26 करोड़ रुपया जाली नोट गायब है, तो फिर ये जो 2,000 रुपया आप 200-200 का लाइन लगा करके फिर मारना चाहने की बात कर रहे हैं और अपने विरोधियों पर हमला की ताकि बैंक में जाएगा तो सारा लेखा जोखा सामने में आ जाएगा और ये उसको टॉर्चर कर सके, तो ये तो एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट थी, उसको मैंने कर दिया। दूसरा सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ,